यमुना, बेतवा और चंबल में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के दृष्टिगत अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने बुधवार देर रात बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारियों से कहा कि राजस्थान के कोटा बैराज व धौलपुर में पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में हुई तेज बारिश से बेतवा नदी उफान पर है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे में आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मथुरा और मिर्जापुर जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए गांवों और शहरों में लोगों की सुरक्षा के इंतजाम कर लिए जाएं। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी तथा आपदा प्रबंध की टीमें 24 घंटे सक्रिय रहें। बाढ़ राहत व बचाव के कार्यों में आपदा मित्र सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकता अनुसार सहायता ले लेनी चाहिए। जिलाधिकारियों नौकाओं, राहत सामग्री आदि का प्रबंध भी कर लें। उन्होंने कहा कि बाढ़ अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर ना हो, प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जिन गांवों में जलभराव की स्थिति बने वहां पशुओं को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। इन स्थलों पर पशु चारे की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। राहत कंट्रोल रूम क्रियाशील रहे। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़ की आशंका दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर से आ रहे पानी से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इन राज्यों में स्थिति बांधों और बैराजों से लगभग 20.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि संगम नगरी में यमुना नदी खतरे का निशान पार कर सकती है, जिससे लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होंगे। बता दें कि कोटा बैराज से पानी छोड़ने के चलते बीते मंगलवार को आगरा के पास पीनाहट और धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। बुधवार सुबह 10 बजे नदी का जलस्तर 131 से बढ़कर 132 मीटर तक पहुंच गया था, जो कि खतरे के निशान से करीब 2 मीटर अधिक है। वहीं धौलपुर पर चंबल के पानी में रेलवे का पुराना पुल डूब गया है। ऐसे में टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।